यूसी विल स्टार्ट फ्रॉम होल। तो जैसा कि हमने पहले एक गड्ढा खोद लिया है एक नॉर्मली, ये आप गड्ढा देख रहे हैं। तो ऑर्गेनिक खाद के लिए नॉर्मली एक गड्ढा आपको खोदना है कोई भी किसी खाली जगह में, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये गड्ढा खुद चुका है। ये नॉर्मली खुरपी से गड्ढा खोद सकते हैं आप। तो अब इसके बाद जो इसमें जो है फूल पत्ती जो भी आपके गार्डनिंग के पेड़ पौधों के रहते हैं वो सारे आप इसमें डालते रहिए, और भी जो मटेरियल्स हो किचन मटेरियल्स जो होता है वेजिटेबल्स का छिलके जो होते हैं उनके, वो भी आप इसमें क्लियर डाल सकते हैं, पर फूल पत्ती भी ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए सारे फूल पत्ती आप इस तरह यहाँ पे डालते रहिए, जो डेली डेली का डेली आपकी पूजा की अलमारी में जो चढ़ते हैं एक दिन बाद हटा जाते हैं वो सारे आप यहाँ पे डालते रहिए किसी जगह इकट्ठा करने से अच्छा है बस। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये मेरा गड्ढा अब जो है भर चुका है एक महीने बाद। तो एक महीने तक मैं लगातार इसमें कंटिन्यू वो फूल डालता रहा जो हमारे यहाँ पूजा के भगवान जी को हमारे यहाँ चढ़ाए जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अज्ञात रूप में पॉलीथिन में इकट्ठा किए जाते हैं और फिर उन्हें पानी में फेंक दिया जाता है। इस एक तरह से इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है, तो पानी फेंकने से अच्छा है आप उन्हें इकट्ठा करते रहें, जो आपने गड्ढा खोदा है उसमें डेली का डेली डालते रहें। तो जैसे डेली का डेली डाला है मैंने, तो उसके बाद ये आफ्टर वन मंथ ये गड्ढा फुल हो चुका है। तो अब इस गड्ढे को बंद करने की बारी आई है। तो इस गड्ढे को थोड़ी सी मिट्टी से जो आपने खोदा था उसी मिट्टी से आप बंद कर सकते हैं। बस आप इसे ऐसे गड्ढा बंद कर दीजिए, तो बस आप फिर आप देखेंगे अप्रॉक्स वन मंथ ये आपकी ऑर्गेनिक खाद प्रिपेयर मिलेगी आपको। तो हेयर आफ्टर वन मंथ यू विल सी वी विल प्रिपेयर आवर ऑर्गेनिक खाद। हमारी आफ्टर वन मंथ ऑर्गेनिक खाद बन चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने गड्ढा खोदा फिर उसमें कंटिन्यू डालते रहें वो फूल पत्ती जो हमारे यहाँ चढ़ते हैं भगवान जी को, फिर हटाए जाते हैं। फिर जब वो गड्ढा भर गया तो उसे हमने मिट्टी से कवर करके बंद कर दिया। फिर आफ्टर वन मंथ हम देख सकते हैं कैसे हमारी ऑर्गेनिक खाद प्रिपेयर हो चुकी है। बाकायदा ये गोबर की तरह ही दिखती है पर इसमें कुछ कुछ स्पॉट्स रहते हैं, तो आप ये स्पॉट्स देख सकते हैं, कुछ ना कुछ ये थोड़ी बहुत गोबर की तरह ही दिखेगी, पर आफ्टर वन मंथ हमारी देख सकते हैं आप एक्चुअली में ऑर्गेनिक खाद प्रिपेयर हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह आप ऑर्गेनिक खाद होम मेड आइडियाज से कहीं आपके घर में आसपास कहीं खाली जगह पड़ी है आपके गार्डन में, वहाँ गड्ढा खोदिए और प्रिपेयर करिए। जैसे मैंने अपने गार्डन में गड्ढा खोदा और ऑर्गेनिक खाद मेरी प्रिपेयर हो चुकी है। तो इसी तरह हम खूब सारे पेड़ पौधे लगाते रहें।